ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम करने लगे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो अनअवॉइडेबल चीज़ें हैं हमने करनी ही करनी है, वो हैं कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स, जो रुकावटें कम्युनिकेशन प्रोसेस को ख़राब कर सकती हैं, इनकम्प्लीट रह सकते हैं वो वाली, जैसे कि नॉइस। इसके अलावा फीडबैक, फीडबैक कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को कम्प्लीट करने का सबसे बड़ा एलिमेंट है। कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा हुआ है नहीं हुआ ये तभी पता लग सकता है कि सामने वाले ने उसको क्या समझा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस माइनर से टॉपिक्स है, ये मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिए इन फॉर्म ऑफ इमेजेस। आईसीटी के बारे में अगर मैं बात करूँ, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर आना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि जो भी विंडोज़, उबंटू या लिनक्स आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे कंप्यूटर चलता है। वायरसेस के बारे में, जो भी वायरस है और वायरस से बचने के तरीके हैं, फायरवॉल इंस्टॉल करना, एंटीवायरस इंस्टॉल करना या फिर कोई अनऑथेंटिक साइट्स को अवॉइड करना, ये सब इसके मतलब प्रिकॉशंस हैं। इसके अलावा फाइल से रिलेटेड, फाइल को कैसे कॉपी किया जाता है, फाइल को कहाँ पेस्ट करना है, न्यू फोल्डर बनाना है फाइल का, वो भी सारा आपको इसके अंदर कवर करना है ज़रूर। सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस आजकल मेन एलिमेंट है जिसकी वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब रहती है। तो इट इज़ ए मेंटल स्टेट ऑफ आप कह सकते हो कि जो हमें स्टॉप करती है फ्रॉम डेली रूटीन एक्टिविटीज़ स्मूथली कंडक्ट करने से। स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपके लिए क्या थ्रेट हो सकते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट है, ये भी आपको ज़रूर रहना चाहिए। और सेल्फ मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जिसमें मेडिटेशन, योगा, ठीक है, और इसके अलावा डांसिंग, आर्ट, हॉबीज़ को फॉलो करना, एक्सरसाइजिंग करना, ये सब चीज़ें आप इसका पार्ट मानेंगे कि हाउ टू डू सेल्फ मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपको रिस्क और इनोवेशन दो वर्ड याद रखने इनके मीनिंग में, प्लस जितने भी मिथ है या इसके मिसकंसेप्शन है 4 to 5 वो आपको करने ही करने हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योर आर नॉट बॉर्न दे आर मेड। यस, तो ऐसे कि कुछ आपको एंटरप्रेन्योरशिप में करने हैं। और ग्रीन स्किल्स के अंदर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सारी स्ट्रेटजीज आनी चाहिए। इसका मतलब कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, घर पे आप एलपीजी का सिलेंडर चूज़ कर रहे हैं आप सस्टेनेबल है, अगर सीएनजी कम्प्लेस नेचुरल गैस की है, व्हीकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है आजकल वो भी सस्टेनेबिलिटी का है, अगर आप सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं वो भी सस्टेनेबिलिटी का है, आप साइकिल चला रहे हैं वो भी सस्टेनेबिलिटी का है, तो एवरीथिंग अराउंड यू ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबिलिटी, तो ये तो बहुत ईजिली आप कर सकते हैं ग्रीन स्किल्स। ग्रीन स्किल्स का मतलब होता है सोसाइटी का भला करना या नुकसान ना होने देना। तो ये 5 स्किल्स में आपने ये चीज़ें बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। मेक श्योर टू डू दिस। थैंक यू।